नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में होम क्रेडिट के कस्टमर केयर से बात करके लाइव आपको रिकॉर्डिंग सुना रहे हैं, जो कि मैंने उज्जवल कार्ड के बारे में बात किया है और उज्जवल कार्ड जो है कैसे आप लोग को मिलता है, क्या आपको वर्चुअल और फिजिकल दोनों कार्ड मिलते हैं कि ओनली वर्चुअल कार्ड मिलते हैं, इन्हें कस्टमर केयर क्या बोल रहे हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस रिकॉर्डिंग को पूरा सुनना, जिससे आपको जानकारी मिल सके कि जो उज्जवल कार्ड है कैसे आपको मिलेगा और उसे क्या बेनिफिट है, क्या ज्वाइनिंग फीस है, इनके कस्टमर केयर क्या बोल रहे हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस रिकॉर्डिंग को जरूर पूरा सुन लेना। बताना चाहते प्रदीप जी, अगर आपको उज्जवल कार्ड के रिगार्डिंग अधिक इन्फॉर्मेशन जाननी है ना, तो मैं आज आपकी जो कॉल है वो डायरेक्ट हमारे उज्जवल कार्ड हेल्प डेस्क नंबर पर ट्रांसफर कर देती हूँ। आप उनसे बात कीजिए, वो आपको अधिक इन्फॉर्मेशन बता देंगे। ठीक है, ओके मैम, आप ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है सर, तो कॉल ट्रांसफर होने के लिए 2 मिनट का समय लगेगा, लाइन पे बने रहिए, कॉल ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, ओके मैम, धन्यवाद, बात कर लीजिए, थैंक यू। अब आप 2 लाख तक का पर्सनल लोन हमारी मोबाइल ऐप से अप्लाई कर। नमस्कार, होम क्रेडिट में आपका स्वागत है, मैं स्वप्निल आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? सर मुझे ये जानना है कि उज्जवल कार्ड जो है एक कस्टमर को कैसे मिलता है, अगर मुझे उज्जवल कार्ड लेना है एक कैसे मिलेगा और इसका ऑफर कैसे आता है? कोई दिक्कत नहीं, पूरी सहायता की जाएगी। सर उज्जवल कार्ड आपको फाइनेंस करना है, उसके रिगार्डिंग आपने यहाँ पे कॉल किया है। जी, पूरी सहायता की जाएगी। आगे बढ़ने से पहले जिनके नाम पे लोन है उनसे बात हो रही मेरी? बिल्कुल जी सर। तो वेरिफिकेशन के लिए आपका पूरा नाम बता दीजिएगा सर। प्रदीप जी, आपके पिताजी का पूरा नाम जान सकता हूँ मैं वेरिफिकेशन के लिए? धन्यवाद सर। तो बताना चाहूंगा सर, उज्जवल कार्ड के लिए अगर आपको अप्लाई करना है सर, तो आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं सर। जैसे कि बताना चाहूंगा सर, सबसे पहले तो होम क्रेडिट का जो मोबाइल एप्लीकेशन का लेटेस्ट वर्जन है, आप वहाँ से उज्जवल कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं सर। प्लस आप जो होगा सर, हमारा जो होम क्रेडिट का जो शॉप्स होते हैं जहाँ पे हमारे एग्जीक्यूटिव होते हैं, आप उनके द्वारा भी उज्जवल कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जब भी कभी आप उज्जवल कार्ड के लिए अप्लाई करने जाएंगे सर, तो आपके पास जो होगा सर, आपका पैन कार्ड कंपलसरी होता है। पैन कार्ड के साथ ही आपके पास आपका वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, भी पासपोर्ट, 4 डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी डॉक्यूमेंट लगना जरूरी है, एज ए आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप अपना आधार कार्ड भी दे सकते हैं सर। सर मुझे ये जानना है कि ये जो उज्जवल कार्ड होता है, ये हमें वर्चुअल या फिजिकल दोनों मिलता है या सिर्फ हमें वर्चुअल मिलता है? ये जो होगा सर, आपको वर्चुअल कार्ड मिलेगा सर, ये फिजिकल कार्ड नहीं है सर। तो आपको जो भी होगा सर, आपके मोबाइल एप्लीकेशन में एक नंबर दिया जाएगा एज ए लोन नंबर, और इसी के तहत आप अपने आगे के जो लोन्स होते हैं या फिर आगे का जो प्रोसेस होता है आप कर सकते हैं सर। अच्छा सर, मुझे ये बताइए सर कि अगर जो ये जो कार्ड है तो सर, अगर मान लो प्री अप्रूव, मान लो कस्टमर का टाइम पर लोन रीपेमेंट करता है, अगर मैं टाइम पर लोन पैड करता हूँ, तो क्या ये कार्ड मुझे प्री अप्रूव कंपनी अपने तरफ से देती है या मुझे हर समय अप्लाई ही करना पड़ेगा? जी जैसे कि बताना चाहूंगा सर, ये जो होगा सर, आपको जो है सर अप्लाई करना है सर, तो ये क्योंकि प्री अप्रूव्ड लोन होता है सर, आपका एक क्रेडिट लिमिट दिया जाता है सर, तो उस लिमिट के अंदर आप कोई भी प्रोडक्ट जो होगा सर, आप डायरेक्टली फाइनेंस कर सकते हैं सर उस लिमिट के अंदर। ओके, तो सर ये जो कार्ड होता है, अगर मान लो सर इसमें, इस कार्ड से हम ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, एमेजॉन पे शॉपिंग कर सकते हैं या फिर भी ऑफलाइन आपका जहाँ पे पार्टनर है वहीं पे शॉपिंग कर सकते हैं? फिलहाल के लिए जो होगा सर, आप जो है सर ऑफलाइन ही उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं सर। अगर ऑनलाइन की सर्विस अवेलेबल होती है तो हमारे यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन कर दिया जाएगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा सर उसका। ओके सर, और एक जानकारी और सर, ये जो उज्जवल कार्ड है सर, इसकी जो ज्वाइनिंग फीस है सर कितनी है सर, और अगर इस कार्ड का जो एनुअल चार्ज वो क्या है सर, मुझे बता सकते हैं सर आप? जैसे कि जानकारी देना चाहूंगा सर, इसकी जो ज्वाइनिंग फीस होगी सर 549 रुपीज है सर, जो कि आपको वन टाइम पे करना होता है, और जो एनुअल चार्जेस होते हैं सर वो 99 रुपीज पर ईयर है। अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे सर, तो आपको पे करने की जरूरत नहीं होती है। साल के अंदर अगर आपका ट्रांजेक्शन होता है आपके उज्जवल कार्ड से, तो आपको एनुअल चार्जेस, आपको जो मेंबरशिप फी है वो आपको देने की जरूरत नहीं है सर। ओके सर, ओके, बहुत धन्यवाद सर आपका। जी सर, और जी बोलिए। नहीं सर, बस इतना ही आपसे पूछना था, बाकी जो आपकी जानकारी मिली मैं संतुष्ट हुआ हूँ इससे, और देखते हैं कि भाई कब तक ऑफर मिलता है और हम अप्लाई जरूर करेंगे उज्जवल कार्ड जो है। थैंक यू सर। कोई नहीं सर, तो इसके अलावा आप क्या कुछ सहायता कर सकता हूँ आपकी सर? प्रदीप जी, नहीं नहीं बस इतना ही। कोई दिक्कत नहीं, कॉल फीडबैक लाइन पे ट्रांसफर हो रही है सर, फीडबैक दे दीजिएगा। होम क्रेडिट में कॉल करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। होम क्रेडिट।